28 केस 28 वाहन 20 दिन की मुहिम में चार चोर गिरफ्तार। मुंबई के परिमंडल 12 की टीम ने व्हीकल चोरी के मामले को देखते हुए 20 दिन की मुहिम चलाई, जिसमें परिमंडल 12 के दहीसर कुरार बनराई पुलिस स्टेशन के 28 मामलों में 28 वाहनों की रिकवरी करते हुए चार चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 24 बाइक और 4 ऑटो रिक्शा शामिल है। 28 वाहनों की चोरी के मामले में शादाब साहिल शेख, इमरान मंसूर खान, सिद्धार्थ कचरू कस्बे और गुरफाम मेहंदी हसन के ऊपर मुंबई के अलग अलग पोजीशन में कई मामले दर्ज हैं। इन चारों आरोपियों को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कैसे ये चोर बजाज पल्सर 220 बाइक को रोड से चोरी करके ले जा रहे हैं। इसी तरीके से मुंबई में इन चोरों ने बाइक चोरी कर आतंक मचा रखा था। ये चोर अपने शौक और अयाशी को पूरा करने के लिए बाइक और रिक्शा चोरी किया करते थे। वीडियो में दिखाई दे रहे लाइन से सभी बाइक और रिक्शा इन चारों चोरों ने ही मुंबई के अलग अलग इलाकों से चोरी किए, जिनको मुंबई पुलिस ने कड़ी मशक्कत, तंत्र और सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया है। बेसिकली ये है कि मोटर व्हीकल थेफ्ट जो है, मोटर व्हीकल थेफ्ट के लिए पिछले 21 दिनों में हमने एक टीम तैयार किया था। हर एक पुलिस स्टेशन के कुछ डिटेक्शन स्टाफ के जितने भी लोग हैं, ऑफिसर्स और कर्मचारी, उनका एक टीम बना के अपने अपने एरिया में इस पर कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या, इसमें जो मोटर व्हीकल थेफ्ट को हम कैसे रोक सकते, इसके इसमें विषय में डिस्कशन करके रिकॉर्ड पर जितने भी कुछ आरोपी है या फिर कुछ ऐसे अपने अपने एरिया में कुछ जहाँ पे चोरी हुई थी वहाँ के कुछ फुटेजेस है, कुछ इन्फॉर्मेंट्स है, उसके बेसिस पे हमने जो है वो इसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो उसी इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जो है वो टीम ने अच्छा काम किया है। 28 मोटर व्हीकल्स थेफ्ट हमने डिटेक्ट किए, 28 व्हीकल्स हमने ताबे में लिए हैं और इसमें जो आरोपी है हसन करके एक आरोपी है, उसमें इमरान करके एक आरोपी है, सिद्धार्थ कस्बे है, एक चर्बी करके एक आरोपी है, ये कुछ कुरार पुलिस स्टेशन का है, एक प्रतापगढ़ का भी है, एक गोवंडी का है और ये मोटर व्हीकल जो है हमने रिकवरी की है। चोरी का व्हीकल था उसको क्या करते थे, कहाँ लेके जाते? बेसिकली वही है कि कुछ लोगों में है जो अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए कुछ यूज़ करना, पेट्रोल जहाँ तक है वहाँ पे यूज़ करके दे देना, कहीं किसी को बेचना, या फिर उसमें जो है वो व्हीकल्स लगा के दूसरे दिन कहीं यूज़ करने का इसमें प्रयास था। और बेसिकली हमारा ये इसमें था कि ऐसे कोई व्हीकल जो है वो चेन स्नैचिंग में यूज़ होती है क्या, वो हम देख रहे आगे, अभी तक तो हमको ऐसा कुछ मिला नहीं है, बट ऐसे कोई इसमें इन्वॉल्व है क्या या फिर उनके कुछ फ्रेंड्स लोग ऐसे इन्वॉल्व है क्या, वो हम इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बैकग्राउंड वही है कि जो कुछ अनपढ़ लोग हैं जो इसमें पढ़ाई ज़्यादा कुछ नहीं, चौथी पास वगैरह है उसमें कुछ लोग हैं और जो है पूरा बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कुछ नशा करने वाले हैं, कुछ जो है वो जायर एड्रेस टाइप ऐसे कुछ लोग हैं, बट उनका बेसिकली क्रिमिनल बैकग्राउंड जो मोटर व्हीकल थेफ्ट है तो उनके ऊपर कुछ केसेस ऐसे हैं और जो रिकॉर्ड पे है और जो फुटेज में हमको हमारे रिकॉर्ड और फुटेज के हिसाब से हमने उसको डिटेक्ट किया। इनके ऊपर कितने मामले और कौन कौन से पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज? पुलिस स्टेशन यार तो डिटेल जो है वो एग्जैक्टली पुलिस स्टेशन के पास से ले लो आप। मेहनत की आपके स्टाफ की कार्रवाई के बाद इतने 28 गाड़ियां। देखो इसमें कैसा है कि एक कंसोलिडेटिव एफर्ट्स है, पूरे टीम के एफर्ट्स है, इसमें वनराई का बहुत बड़ा मेजर रोल है। वनराई पुलिस स्टेशन में हमारे डिटेक्शन ऑफिसर में घोने और गांगुड़े ऐसे दो ऑफिसर्स है और बाकी सब उनका टीम है, वो टीम ने अच्छा उनका योगदान दिया है। बाकी कुरार पुलिस स्टेशन में भी API घरगे है, उधर दहीसर में है PCP और हमारे जो सीनियर PI है उन सब ने इनको गाइड करके अच्छा डिटेक्शन हुआ।